आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज सीखेंगे और समझेंगे बिजनेस और जॉब के बीच का डिफरेंस, और साथ ही हम कुछ रियल टाइम स्टोरी भी आपको सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा बिजनेस और जॉब के बीच का डिफरेंस, और साथ में बिजनेस कब करना चाहिए और जॉब कब करना चाहिए इसकी भी सिचुएशन आपको हम बात करेंगे, इसके भी सिचुएशन पे हम बात करेंगे। मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। हम जनरली एडवांस एक्सेल की क्लासेस देते हैं, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, बिजनेस एंड जॉब। जॉब मिलना, पूरी से मेहनत कीजिए, जॉब मिल जाती है, पूरे महीने काम कीजिए, तनख्वाह मिलता है, साल में 5-10% का इंक्रीमेंट मिलता है, 3-4-5 साल करने पर प्रमोशन मिलता है, और जैसे रिसेशन आता है कंपनी लात मार के निकाल देती है, सडनली नोटिस आता है और जॉब से जॉबलेस हो जाते हैं। एक कंपनी छोड़ने के बाद आपकी फिर से वही शुरुआत होती है जो कि आपने पहले जॉब के लिए की थी। बिजनेस शुरू करने में हार्ड वर्क है, इन्वेस्टमेंट भी लगता है, स्किल्स भी लगता है, और इसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस कम होते हैं। ग्रोथ हो सकता है 2 महीने मिल जाए, हो सकते हैं 2 साल लग जाए, हो सकते हैं 5 साल लग जाए, लेकिन आपके पास आपकी एक पहचान होती है, आपका एक स्टार्टअप होता है, आपका एक कैपिटल होता है, और आपकी एक विरासत होती है आने वाले बच्चों के लिए। तो चलिए बात करते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी एक विकास नाम के लड़के की है और एक सूर्या नाम के लड़के की है। विकास की दादाजी पुलिस में थे, फौज में थे, और उनकी फैमिली भी अच्छी थी, बैकअप भी अच्छा था, और समाज में रिस्पेक्ट पाने के लिए उस गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था, सिक्योर होने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, और बिहार से था तो दहेज लेने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। 2004 में उसने मैट्रिक की, तो सूर्या की फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी कमजोर थी, उनके पापा उतने अच्छे नहीं थे, उनकी इनकम भी बहुत कम थी, मुश्किल से गुजारा होता था। तो सूर्या ने जब 10th पास किया, 10th पास करने के बाद आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए उसके पास फंड्स नहीं थे, बट विकास के पास फंड्स थे, उसने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। सूर्या दिल्ली चला गया, दिल्ली में एक छोटी कंपनी में जॉब किया, बट जॉब करेगा तो कैसे करेगा। तो शुरुआत में उसने एक होटल में वेटर कह लीजिए, हेल्पर कह लीजिए, किचन बॉय कह लीजिए, इस तरह का काम किया ताकि उसकी फंड्स की, जो पैसे की प्रॉब्लम है, वो दूर होता रहे। बट उसने अपने स्किल्स को, अपने स्टडी को नहीं छोड़ा। अब स्किल्स और स्टडी दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा। स्टडी जो हम किताब में पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, अकबर महान था, दिल्ली में कुतुब मीनार, जैसे चीजों को स्टडी कहते हैं, मेरे हिसाब से स्टडी करते हैं। स्किल्स का मतलब हुआ कि आपके हाथ में एक ऐसा कला जो सबके पास नहीं है, जैसे कि नाई के दुकान पे नाई का बेटा जब बाल काटता है तो उसको स्किल्स कहा जाता है। एक लोहार जब लोहा पीटता है तो उसको स्किल्स कहा जाता है। एक कारपेंटर आपके लिए पलंग बनाता है, उसको भी स्किल्स कहा जाता है। और एक डॉक्टर आपके लिए एक दवाई की पर्ची लिखता है, उसको भी स्किल्स कहा जाता है, उसको स्टडी एजुकेशन नहीं कहा जाएगा मेरे हिसाब से। स्किल्स में उन्हें कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर सीखने के बाद उसने 12th भी कर लिया। 12th करने के बाद एक छोटी सी कंपनी में ऐसी कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब किया जहां पे वो डेटा एंट्री वगैरह करता था। और इधर विकास, इसने 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए बीए के लिए अप्लाई किया और चला गया बैंकिंग की तैयारी करने के लिए। बैंकिंग की तैयारी में पता चला कि नहीं, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो फिर उसने क्या किया, SSC का तैयारी शुरू कर लिया। और कई चीजों के, SSC हो गया, बिहार पुलिस हो गई, टीचर्स की जॉब हो गया, उसके अलावा PSC हो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने लगा, FCI की तैयारी करने लगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया। उस तैयारी में मगन रहा, हर बार एग्जाम देता था, या इसका एग्जाम हो गया, उसका एग्जाम हो गया, एग्जाम देता था। इधर सूर्या जो था दिल्ली में, वो अपनी एजुकेशन, अपना स्किल्स और अपनी जॉब तीनों पे फोकस कर रहा, फंड्स को इकट्ठा कर रहा। फंड्स की इकट्ठा करने के बाद उसने क्या किया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, उसने BCA किया, MCA किया, साथ में उसने
एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अच्छी खासी महारत हासिल कर ली, इंग्लिश को सीखा। ये सारा काम जॉब करते हुए, जॉब करके सिर्फ अपना खर्चा नहीं निकाला, उसने खर्चा निकाला अपने माँ बाप का, अपने भाई का, सबका खर्चा निकाला, सबको देखते हुए और अपने फंड्स को रखते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के उसने एक छोटी सी कंसल्टेंसी खोली जहां पे छोटे छोटे दुकानों के लिए सॉफ्टवेयर बिलिंग वगैरह तैयार करता था। आज के डेट में उसके पास उसके दवाई के दुकानों में और छोटे मोटे स्टोरी शॉप पे करीब करीब 70,000 क्लाइंट्स हैं जो उसके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और उसका मंथली टर्नओवर तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है। उधर विकास ने क्या किया, विकास ने जब उसकी उसकी जब एज एक्सपायर हो गई थी, उसने फिर से दोबारा 10th का एग्जाम दिया, फिर से उसकी तैयारी किया, फिर से एग्जाम दिया, फिर 13th की तैयारी किया, फिर एग्जाम किया। और अभी क्या कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है MR का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसका जो उसका फील्ड ही नहीं है, फिर भी वो दवाई बेच रहा है और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। तो ये स्टोरी है विकास, जो कि एक जॉब प्रिपेयर था जो कि फेल हो गया, और एक सूर्या जो कि एक बिजनेस को प्रपोर्ट किया और बिजनेस को आगे बढ़ाया, और आज के डेट में वो सक्सेस है। दो स्टोरी आपके सामने, विकास फेल क्यों हुआ, विकास के फेल होने के पीछे हुआ कि एक चीज पे गया नहीं हुआ, फिर दूसरे पे गया नहीं हुआ, फिर तीसरे पे गया नहीं, फिर चौथे पे गया नहीं गया, और उसको फंड्स उसके फैमिली की तरफ से मिल रहे, वो फेलियर का मतलब नहीं समझ पा रहा। वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और पेपर्स में, बड़े बड़े जो कंपटीशन की तैयारी कराने वाले लोगों के पास में, उनसे बस ये पूछता था, अच्छा बेटा चार पांचवा एग्जाम निकल गया, ये इसका वैकेंसी का, इसमें देख, इसमें हो जाएगा, इस पर तो पक्का हो जाएगा, ऐसे वर्ड को सुना। लेकिन सूर्या के पास क्या था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, फैमिली को लेके चलना था। वो जानता था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे मेरे जॉब से हाथ धोनी पड़ेगी, जॉब के हाथ धोने का मतलब कि अर्निंग। जब मेरी जब दोनों का मोटिव है समाज में इज्जत पाना, रिस्पेक्ट, तो फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक बिजनेसमैन में क्या अंतर आ जाता है। एक मोहल्ले का, एक एक थाने का हेड कांस्टेबल या SI भी उतना रिस्पेक्ट पाता है जो कि उस एरिया का एक होटल का मालिक या उस एरिया का एक शॉप ऑनर उतना ही रिस्पेक्ट पाता है। ये भ्रम मत रहिए। हाँ, अगर वो अनथिकल करता है तो मे भी वो पल्ला भारी हो सकता है, रिश्वत लेता है, किसी को फंसाता है, लेकिन अगर दोनों की अर्निंग की बात करें, दोनों की रिस्पेक्ट की बात करें, दोनों की फ्रीडम की बात करें, तो एक बिजनेसमैन के पास ज्यादा फ्रीडम फ्रीडम है, और एक समाज में बात करें, समाज की सेवा की बात करें, तो बिजनेसमैन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मुकाबले बहुत ज्यादा समाज को सपोर्ट करता है। ये तो हो गई मोरल स्टोरी। अब बात करते हैं कि आपको बिजनेस कब करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 10th पास किए और 10th पास करने के बाद लगातार आप अपना कुछ बेच दीजिए, पैसा वैसे इकट्ठा कीजिए और जमा पूंजी लगा के बिजनेस खोल के बैठ जाइए। नहीं, एक गलत है। सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करके, एजुकेशन कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आपको स्किल्स भी लेना है। जी हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, चाहे जो बिजनेस कर रहे हैं आप, कुछ भी दिक्कत है, आप मोमोज की बिजनेस करना चाहते हैं, ठेला लगाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और मान लीजिए कि मोमोज का ठेला लगाना बुरा है कब, जब आप एक ठेला लगाते हैं, लेकिन मोमोज की अगर सैकड़ों ठेले आपको एक सिटी में लग रही है तो फिर आपके लिए वो बहुत अच्छा है, एक जॉब से अच्छा है। तो सबसे पहले स्किल्स लीजिए। स्किल्स मतलब कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, सिस्टम कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में होना चाहिए। देन ऑपरेशंस नॉलेज कि बिजनेस को रन करने बैक सपोर्ट में क्या नहीं, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि बिलिंग कैसे करूंगा मैं, अपना डेटाबेस कैसे मेंटेन करूंगा, जैसे लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। देन आप क्या करें, फंड्स को इकट्ठा करें, और फंड्स इकट्ठा करने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि आप पूरा आप कहीं से बेच बाज कर लगा दें, नहीं, बिजनेस एक पेड़ है
और एक बड़े पेड़ को उखाड़ के कहीं पे नहीं लगाया जा सकता। बिजनेस को छोटे बीज से, छोटा सा बीज से अंकुरण, अंकुरण से पौधा, पौधा से पेड़ बनने में, और पेड़ से एक विशाल पेड़ बनने में टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, मेहनत लगता है, देखभाल लगता है, केयर लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो क्या करें कि आप जॉब करें, 30% की अर्निंग कहीं पे इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे पैसा आपका सिक्योर भी हो और कम रिस्क हो और आपकी अर्निंग पैसा बढ़े भी। तो हर महीने 30% कीजिए, कब तक? जब तक कि आपकी उम्र 25 साल की नहीं हो जाती है। 25-26 साल के में अगर आप फैमिली लेना चाहते हैं तो आपकी इनकम इतनी है जो फैमिली अलाउ कर रही है तो फैमिली लीजिए। फैमिली लेते ही खर्चे बनेंगे पता है, तो आप 20-25% को 20% में कर दीजिए, तो आपको 5-7 सालों में इतना पैसा हो जाएगा कि आप अपने जो एम आपने सोचा है उस एम का शुरुआत कर सकते हैं। 30 साल की उम्र में अपने एम की शुरुआत कीजिए, एम की शुरुआत कीजिए, अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए, वो भी छोटे स्केल्स में। जैसे कि आप एक साबुन की फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो साबुन का छोटा सा फैक्ट्री डालिए, डेली ऑफिस आते जाते समय 10-20 साबुन बेच दीजिए। अगर मान लीजिए कि 20 साबुन पर डे बेचते हैं तो महीने में आप कितने बेच देंगे? महीने में आप बेच देंगे 600 कस्टमर। जी हाँ, 600 साबुन, 600 कस्टमर की। तो साल में आप बेच दीजिए तकरीबन 18,000 कस्टमर को आप बेच दीजिएगा। अगर 10 साल की बात करें तो 1,80,000 कस्टमर तो आपके पास आएंगे, आप अपने बिजनेस को बूम कर सकते। तो 2-4-5 साल के कीजिए बिजनेस को, स्मॉल स्केल पे चलाइए, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्यों बोल रहा हूँ कि अगर फुल टाइम आपकी जॉब चल रही है, वो जॉब से टाइम निकाल के बिजनेस को कीजिए। अगर जॉब से टाइम निकाल के बिजनेस को करते हैं तो आपका इनकम जो है वो आपका इफेक्ट नहीं करेगा और आपकी फेलियर का चांस कम होगा, क्योंकि आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि अगले महीने मेरी गाड़ी की ईएमआई देनी है, कहाँ से दूंगा, अगले महीने घर के खर्चे देने, घर के किराए देने, बेटे का फीस देना है, क्योंकि वो सारी चीजें जॉब से निकल रही है। तो आप पूरा फोकस बिजनेस पे करोगे, जॉब से आओगे बिजनेस पे लग जाओगे, जॉब से आओगे बिजनेस पे लग जाओगे, जॉब से आओगे बिजनेस लग जाएंगे। और होम में स्टार्ट करेंगे तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके मम्मी पापा, जो भी घर के मेंबर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। तो बिजनेस में एक मैन, फ्री मैन पावर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए कि आपका बिजनेस की प्रॉफिट टेबल हो रही है और जॉब के मुकाबले आ गई है। अगर जॉब छोड़ के पूरा टाइम देंगे तो आपके बिजनेस, जॉब के जो जॉब से होने वाले जो सैलरी के नुकसान है वो बिजनेस दे सकता है। फुल टाइम बिजनेस में लग जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकम का कम से कम 20% बाहर निकाल के इमरजेंसी केसेस में सेव कीजिए, ताकि कल के डेट में बिजनेस अगर ऊपर नीचे जाता है तो आपके पास फंड्स की कमी नहीं रहेगी। कि बिजनेस एक नाव है और नाव ऊपर नीचे होता ही होता है। अगर आपने अपने पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं रखा तो नाव डूब सकती है। तो ऐसे मेरे चैनल के साथ रहें, और एडवांस एक्सेल सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, डेटा एनालिसिस सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ती है डेटा की, और डेटा जब आपके आएगा तो एनालिसिस करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक्सेल सबसे अच्छा टूल्स है। और अगर जॉब भी पाना चाहते हैं तो भी आप एक्सेल के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए, और किसी भी कंडीशन में मुझे कॉल कीजिए मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।